बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर प्रोसीडिंग विद द पोएम दे हैव कट डाउन द पाइन्स पेंड बाय मेरी लायल। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स हैव अ लुक ऑन द पोएम्स इंक्लूडेड इन आवर बुक। ओके स्टूडेंट्स, देर आर टोटल 5 पोएम्स। दीज आर ड्रीम्स इन स्पाइट ऑफ वार इक्विपमेंट दे हैव कट डाउन द पाइन्स and opportunity. As you know, we have done first 3 poems, Dream, In Spite of War and Equipment, and the topic of the day is unit number 12, They Have Cut Down the Pines. Now you can see the pictures of pine trees to have a better knowledge about these trees. Pine trees se murad cheer ya sanobar ke darakht hain aur ye darakht dekhne mein bahut khoobsurat lagte hain. And there are about 100 species of pine trees. These are also called evergreen trees. ये दरख्त 12 महीने सरसब्ज रहते हैं और ये दरख्त 6 महीने के अंदर अंदर बड़े हो जाते हैं. And their wood is used for timber and this timber is used for construction, furniture and paneling. They are also used in the manufacturing of substances such as turpentine, rosin, pulp and paper. These trees provide food for animals and humans. Their seeds are eaten by squirrel and birds, and human use pine nuts for cooking and baking. And pine cones are used as decorations and also used in crafts and also for fire. Pine needle trees contain good amount of vitamin C. So students, we have come to know that the trees have a lot of importance. आपने देखा कि pine trees के कितने ज़्यादा फ़वाद हैं, इसलिए इनकी importance जो है, trees की importance जो है वो इंतहाई ज़्यादा है. So the theme of our poem is importance of tree or preservation of nature. Let's discuss advantages of trees now. Trees absorb carbon dioxide and provide us oxygen. These also stop soil erosion and provide wood, and these are habitat for animals and birds also. They also stop floods and a source of food for us. And they clean our environment and provide us healthy environment. Let's come to the explanation of the poem now. फर्स्ट स्टैंजा इज दे हैव कट डाउन द पाइन्स, उन्होंने चीड़ के दरख्तों को या सनोबर के दरख्तों को काट दिया है. देयर हेयर रेफर्स टू द पीपल. अब पोइटिस ये कह रही है कि लोगों ने चीड़ के दरख्त काट दिए हैं. वेयर दे स्टूड, जहाँ वो खड़े थे. द विंड विल मिस देम, हवा उन्हें याद करेगी. अब द पोइट इज़ यूजिंग हेयर द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन, बिकॉज मिसिंग इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. हेयर दिस क्वालिटी इज़ गिवन टू द विंड एंड द रेन और बारिश. एंड द पोइट इज सेइंग दैट द विंड एंड द रेन इज विल मिस दैम, कि बारिश और हवा उन्हें याद करेगी. मैन इट सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन. सिल्वर ब्लाइंड से मुराद ये है कि जब वो मूसलाधार बरसती है, यानी ज़ोर से बरसती है, जब बारिश ज़ोर से बरसती है. दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड. स्ट्रिप मीन रिमूव, उतार देना. ठीक है, उन्होंने दरख्तों की छाल जो थे वो उतार दी है. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दे आर रिमूविंग द बार्क फ्रॉम द वुड. द नीडली बोज, नीडली बोज मीन नोकदार शाखें. And the brown knobby nuts trodden into the ground. और उनके भूरे गांठदार खोल, trodden बिखरे पड़े हैं into the ground, ज़मीन पे. और उनके खोल जो हैं वो जगह जगह पे ज़मीन पे बिखरे पड़े हैं. The kind and the friendly trees, मेहरबान और दोस्त दरख्त. Here again the poet is using figurative language and giving the quality of kindness and friendship to the trees. As you know that the qualities of kindness and friendship is the quality of human being, and here the poet has given this quality to the trees. When where all day small winds sound,
जहाँ पूरा दिन हवा की आवाज़ आती थी एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और पूरा दिन सूरज. प्लेस हाइड एंड सीक विद द शेडोज. हाइड एंड सीक इज़ अ गेम, ठीक है, प्लेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर चिल्ड्रंस. ठीक है, हाइड एंड सीक एक गेम है जो बच्चे या ह्यूमंस खेलते हैं. एंड हियर अगेन पोएट इज़ यूजिंग पर्सनिफिकेशन एंड गिविंग दिस क्वालिटी टू द शेडोज, कि पूरा दिन सूरज जो है वो आँख मचोली खेलता है, मतलब वो नमूदार होता है और गायब होता है. टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन, और साए बढ़कर एक हो जाते हैं. एंड नाइट इज़ हेयर, और रात आ जाती है, मतलब जब साए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब अंधेरा हो जाता है, तो रात आ जाती है. दे हैव कट डाउन द ट्रीज, उन्होंने दरख्तों को काट दिया है. यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड एंडेड नाउ, और उन्हें ख़त्म कर दिया, और अब वो ख़त्म हो चुके हैं. द जेंटल कोलोक्वाई ऑफ बो एंड बो. बो कहते हैं ब्रांचेस को, एंड कोलोक्वाई मीन कन्वर्सेशन, ठीक है, सरगोशी करना. अब उनकी जो नर सरगोशियाँ थी ब्रांचेस की, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं. दरख्त कट चुके हैं और ब्रांचेस की सरगोशियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं. हेयर अगेन द पोइट इज़ यूजिंग पर्सनिफिकेशन एंड गिविंग द क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन टू द ब्रांचेस. दे आर मेकिंग द फेंस बाय द क्रीक, और वो एक खाड़ी के करीब एक बाड़ बना रहे हैं. फेंस मीन बाड़ बनाना, बाड़ यानी बाउंड्री बनाना. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक बाउंड्री बना दी गई है. एंड हैव कट डाउन द पाइंस फॉर द पोस्ट, और उन्होंने बनाने के लिए दरख्तों को काट दिया है. वैन इन द सनलाइट इज गोस्ट द नेकेड ट्रंक्स लाए. वैन मीन जर्द पड़ जाना, पीला पड़ जाना. इन द सनलाइट, धूप में, इज गोस्ट, जैसे कि भूत होते हैं. द नेकेड ट्रंक लाए, और उनके नंगे तने पड़े हैं. हेयर अगेन द पोइट इज़ यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज एंड ही इज़ यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द ट्रीज एंड द गोस्ट. अब वो कह रहे हैं कि दरख्त जो हैं वो सूख चुके हैं, जर्द हो चुके हैं, और वो पीले पड़ चुके हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो गोस्ट हों. द नेकेड ट्रंक लाए, और उनके नंगे तने ज़मीन पे पड़े हैं. अ बर्ड नेस्टेड देयर, इट विल सीक इट्स होम बट इन मैन. अ बर्ड नेस्टेड देयर, एक परिंदे ने वहाँ पे घोंसला बनाया था. इट विल सीक, सीक मीन सर्च. अब वो वहाँ पे तलाश करेगा अपने घोंसले को, बट इन वैन, लेकिन वो नाकाम रहेगा. मीन्स कि दरख्त अब कट चुके हैं, तो एक परिंदे ने घोंसला बनाया था, लेकिन अब वो अपना घोंसला वहाँ पे तलाश नहीं कर पाएगा क्योंकि दरख्त कट चुके हैं. दे हैव कट डाउन द पाइंस, लोगों ने दरख्तों को काट दिया है. लेट्स डू द पैराफ्रेज ऑफ दीज स्टैंजेस नाउ. ओके स्टूडेंट्स, पैराफ्रेज का मतलब होता है कि पोइट्स के जो आइडियाज़ हैं उनको अपने अल्फाज में लिखना, ठीक है. री राइट पोइट आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स. और पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सो वी विल डायरेक्टली डू द पैराफ्रेज नाउ. दे हैव कट डाउन द पाइंस वेयर दे स्टूड. द पाइन ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द पीपल. हियर दे रेफर्स टू द पीपल. द विंड विल मिस देम एंड द रेन व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन. The wind and the heavy rain will feel their absence. They have stripped the bark from the wood. Bark, outer covering. Okay? The outer covering of the trees have been stripped, removed. Okay, removed from them. Okay, students, let's do the paraphrase of second stanza now. The needly boughs, needly pointed, and boughs branches. And the brown knobby nuts trodden into the grounds. Brown knobby nuts, brown cones. The pointed branches of the trees and the brown cones trodden mean crushed, are crushed under the feet. The kind and friendly trees, the trees are very kind and friendly. Where all day small winds sound. When the wind passes through the trees, a rustling sound is produced in the trees. Stanza number 3. And all day long the sun
plays hide and seek with shadows. The sun and the shadows replace each other throughout the day, till the multiplying shadows turn to one and the shadows in the woods increase during the day and night is here. When night comes, the multiplying shadows turn to one shadow. Let's discuss the paraphrase of stanza number 4 now. They have cut down the trees and ended now. The trees have been cut down and they are no more. Ended means they are no more. The gentle colloquy of bow and bow. Colloquy means conversation and bow means branches. The sweet conversation among the branches of the trees has also ended. They are making a fence by the creek and have cut down the pines for the post. The pine trees have been cut down to make post, which will be used in making a fence along the stream. Okay, students, this was the end of the lecture. Allah Hafiz.